हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वसीम रजा। आपको बारिश में कैसे कार चलानी है ये हम बताएंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मल तो लोग सब लोग गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन बारिश में खास करके कैसे चलानी इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है और बहुत ही हिसाब किताब से गाड़ी चलती है, क्योंकि जरा सी भी चूक आपको कुछ भी कर सकती है। देखिए कुछ गाड़ी जो बेसिकली जो छोटी गाड़ी होती है उनमें रियर वाइपर नहीं होता है, ठीक है, शीशे पे भी जो है वो फॉग जम जाती है बिल्कुल इस तरीके से, और बहुत ही खतरनाक जब बारिश होती हो तो आपको सबसे पहले तो देखिए जो सब गाड़ियों में एक्सटेंशन कंट्रोल नहीं होता है, हिल कंट्रोल नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप जो है गाड़ी धीमी रफ्तार से चलाएं, ताकि जैसे कहीं पे गड्ढे आ जाते हैं और गड्ढे में अगर थोड़ा सा भी आपका जो पहिया पानी भरा हुआ है और आप जब एकदम लेके चलेंगे तो गाड़ी जो है वो उसके ऊपर ऊपर रहती है और गाड़ी को फिसलने का भी पूरा जो है वो डर रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कहीं भी एकदम गड्ढा पड़ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप जो है बारिश में बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार के साथ गाड़ी चलाएं। और दूसरी बात, वाइपर ऑन रखें, अगर आपके बिल्कुल भी वाइपर काम नहीं कर रहे हैं तब आप पहले वाइपर चेंज करा लें। और मैं आपको बताऊं, हमेशा आपको गाड़ी धीमी चलाने से ये भी हो सकता है कि आपका जो ये देखिए फॉग जम गई, अब पीछे का हमें कुछ नहीं दिख रहा है, IBRM में भी पीछे का हमें कुछ नहीं दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपको जो है इस हिसाब से गाड़ी चलानी है ताकि कोई भी दिक्कत आपको दिक्कत का सामना करना ना पड़े, बहुत ही आराम आराम से गाड़ी चलाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।